चलें जी शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो कल हम चले, वेरी गुड। हम कल कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर M14 था क्या? ठीक है, तो M14 के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट जो करनी थी। स्टेप नंबर 4 में आके हमने स्टेप नंबर 3 तक जो हमारा रिवैल्यूएशन था पार्ट ए के लिए वो तो हमने कर लिया था। स्टेप नंबर 4 पे हम क्या करते हैं, आपका रिवैल्यूएशन, उसका प्रोसेस होता है प्रॉफिट एडजस्टमेंट का। ठीक है, थैंक यू। तो वो मैंने आपको कहा था कि वो आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, फिर मैं उसका बताऊंगी कि उसके एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? एक जो हमने और सवाल किया था प्रॉफिट एडजस्टमेंट जिसमें था, उसमें हमारे पास प्रॉफिट फॉर 2013 और पिछले सालों के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमें गिवन थे। तो हमने क्या किया था, जो भी उसका एरर का जो एडजस्टमेंट था वो हमने उन फिगर्स से कर लिया था, राइट? अच्छा, कितना आ रहा है आपके पास, क्या इफेक्ट आ रहा है? 2009 में आपने क्या किया था, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, हमारे पास जनवरी टू दिसंबर हमारा अकाउंटिंग ईयर है। ये कैसे पता चला? सवाल में ये मेंशन हुआ है ईयर एंडिंग, यहाँ पे भी ईयर एंडिंग December 31st से। आपका हिंट है कि आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, और हमारा करंट ईयर है 2012 का, और इसमें ये कह रहे हैं कि आपका 2009 के मिड में क्या गलती हो गई थी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस आपने ट्रीट कर लिया था। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा होगा कि आपका पहले साल में जी कितना आ रहा है, जरा मुझे बताएं फिगर। 2009, 2010, 2011 और 2012 तो हमारा करंट है। ठीक है, तो 2012 तो हम ये कहेंगे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारा प्रॉफिट बता रहे हैं ये लोग 1260, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया हुआ कि इस 1260 में ये वाला प्रॉफिट एरर हमने एडजस्ट करना है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, 1260 जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 2012 का, वो हम कहेंगे कि उसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफेक्ट लाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2011 तक का हमने देखना है कि जो प्रॉफिट गलत चार्ज हुआ है कैपिटल अकाउंट में उसको हमने ठीक करना है। तो 2009 के मिड में हमारे से गलती हो गई थी कि हमने 40,000 रुपीज का प्लान जो है उसको चार्ज कर दिया एज एन एक्सपेंस। इस 40,000 की वजह से क्या हुआ, 2009 का जो भी प्रॉफिट था वो हमारा हो गया था अंडरस्टेटेड, राइट? होना चाहिए था वो 40,000 से, हमने उसको डिडक्ट कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था। अब ये 40,000 जी सब फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ये सब फॉलो कर रहे हैं बात को, मैं इसको जल्दी से गुजार दूंगी। अनलेस किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो फिर हम उसको डिटेल में लेके जाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे। और 2009 में गलती क्या हो गई, 40,000 चार्ज हो गया एज एन एक्सपेंस, और इस 40,000 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो चार्ज होना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10%, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करना है। अकाउंटिंग ईयर है जनवरी टू दिसंबर, ये प्लान परचेज किया July 1, यानी कि आधे साल की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं की, और वो आधे साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 2000। तो इस 2000 से हम क्या कहेंगे कि हमारा क्या था, प्रॉफिट वाज ओवरस्टेटेड। तो नेट बेसिस पे 2009 का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 38,000 से हमारा प्रॉफिट ओवर है। ठीक है, हमने उसको कम करना है, ओवरस्टेटेड। क्लियर होगी बात? सॉरी, अंडरस्टेटेड है, अंडर है। ठीक है, अंडर आपका ज्यादा है, हमने उसको बढ़ाना है। अब प्रॉफिट आपका अंडर कैलकुलेट हुआ हुआ है, अब आपने उसको इंक्रीज करना है। इसी तरह हम 2010 में जब हम आते हैं तो ये वाला एरर तो उसमें हुआ नहीं, हाँ लेकिन क्या एरर हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं हुआ। यानी कि इस सिनेरियो में भी क्या हुआ, प्रॉफिट हमारा ओवरस्टेटेड हो गया था 2010 का 4000 से। 4000 कैसे निकला, स्ट्रेट लाइन बेसिस है 10%, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 2010 में वो एसेट जो है पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम उसको प्रोरेट नहीं करेंगे। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, 4000 से हम कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट क्या था, ओवर था। ठीक है,
इस ईयर में प्रॉफिट ओवर स्टेटेड एंड सेम गोज फॉर 2011 4000 से हम कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड था। अब अगर हमारे पास जनरल रिजर्व होते अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते तो हमारे पास एक तरीका ये था कि हम उन जनरल रिजर्व को 2000 कैसे आया, 2000 ऐसे आया कि आपने 2009 में क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि 1 जुलाई 2009 को एक एसेट परचेज किया, अकाउंटिंग ईयर है जनवरी टू दिसंबर, तो आपने कितने महीने इस एसेट को इस्तेमाल किया, जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 मंथ, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, कॉस्ट है 40,000, 10% इसका रेट है मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 महीने इस्तेमाल हुआ तो 2000 का, 2009 में 2000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए था। ठीक है, अब मसला यहाँ पे कि एक तरीका ये था कि अगर आपके पास जनरल रिजर्व की फिगर गिवन होती तो आप उससे इन एरर्स फॉर्म में एडजस्ट करते, ठीक करते और फिर आप करेक्ट फिगर जनरल रिजर्व की ले जाते। अब दूसरा मेथड ये भी है, आपके पास अगर जनरल रिजर्व गिवन ही ना हो तो फिर आप इनका क्या करेंगे, आप निकालें कि नेट इफेक्ट क्या है आज की डेट पे। आज हम अभी हम क्या कहाँ पे खड़े हुए हैं, 1 जनवरी 2012 पे खड़े हुए हैं, है ना। अभी हम जो हमारे पास एक रिटायरमेंट हो रही है हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसकी अकाउंटिंग करते हुए पता लगता है कि प्रॉफिट में ये एक एरर हुआ है। कितने सालों का प्रॉफिट, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट में एरर हुआ है। तो हमें क्या करना है, हम निकालते हैं कि कंबाइंड कितना एरर आया है ऑन अ नेट बेसिस। तो हम देखते हैं 2009 में प्रॉफिट क्या था, अंडर स्टेटेड था, और 2010 और 11 में ओवर स्टेटेड था 4000 4000 से। तो हम एक फिगर निकाल लेते हैं कि टोटल टू डेट 30,000 से बिकॉज ऑफ दिस एरर 30,000 रुपीज से हमारा जितना भी प्रॉफिट है पिछले सालों का वो क्या है, अंडर स्टेटेड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस एरर को ठीक करने के लिए आप जरा एक बात गौर से सुने, इसका क्या मतलब है, 2009 में प्रॉफिट जितना भी हुआ बिजनेस को वो हो गया सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, राइट। इसी तरह 2010 में जो भी प्रॉफिट आया था वो भी सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। वो 2010 में कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ था, कैपिटल अकाउंट, और डेबिट हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम गोज फॉर 2011। तो कंबाइंड बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ, हम ये कह सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ दीज 3 इयर्स कंबाइंड बेसिस पे 30,000 से कम प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने ये एरर आइडेंटिफाई करना है, हमने ये कहना है कि और इसका मतलब है कि अब हमने 30,000 रुपए एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स को। क्यों, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट आपका अंडर स्टेट हो गया था। अगर ये ओवर स्टेटेड का सिचुएशन होता कि नेट बेसिस पे प्रॉफिट 30,000 से ओवर स्टेटेड था, तो इसका क्या मतलब है कि इन 3 सालों में हमने ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जितना एक्चुअली बनता है। तो फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम ये करेंगे कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स हमने ज्यादा प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया था कैपिटल अकाउंट में, तो अब उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे प्रॉफिट है अंडर स्टेटेड। क्या मतलब हुआ कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब हम फर्दर 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड PSR। इज दैट क्लियर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं पार्टनर्स का। हमारे पास कौन कौन है, आसिफ नवाज और अल्ताफ। ठीक है, अच्छा ये ब्रॉड डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये ब्रॉड डाउन आपको सवाल गिवन है, जो सवाल में गिवन है 360, 340 और 450। ठीक है, ये काम हो गया। फिर हमने क्या किया था, हमने स्टेप नंबर 2 में
हमने किया था अपना गुडविल की रेजिंग की थी और फिर उसको राइट ऑफ किया था. गुडविल जब हमने ये कर लिया था ना, हमने स्टेप गुडविल रेज करके राइट ऑफ 144,000 था ना, ये जरा कंफर्म कर दें. कल हमने कर लिया हुआ ना स्टेप नंबर टू गुडविल का. हाँ मेरे हाथ से कर लिया हुआ, ठीक है सही है. तो हमने गुडविल को रेज किया था 36, 72 और 36, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन था जो हम कह रहे थे, हाँ फंड वाला, ठीक है. अल्ताफ रिसीव हाफ, तो ठीक है फिर तो अल्ताफ को ज्यादा जाएगा. अल्ताफ का 72 मंथ है, ठीक है. ये करके हमने राइट ऑफ भी करना था गुडविल को. जब हम राइट ऑफ करते हैं तो हमारा जो नवाज है वो रिटायर कर रहा है, तो आस्ते पर अल्ताफ की बनते हैं 48 और 96. स्टेप नंबर थ्री पे हमने कल कर लिया था, रिवैल्युएशन हमने की थी और रिवैल्युएशन को हमने राइट ऑफ करना था. तो पहले हम रेज करते हैं उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे. रिवैल्युएशन गेन था हमारे पास 1875, 1875 और 3750, और फिर हमने इसको राइट ऑफ भी करना था क्योंकि मार्केट वैल्यूज को बुक्स में नहीं रखना था, 2500 और 5000, ठीक है. ये न्यू पीएसआर में आपने रिवैल्युएशन गेन को राइट ऑफ भी कर दिया. अब क्या बारी आती है, अब आपके स्टेप नंबर फोर में बारी आती है प्रॉफिट एडजस्टमेंट की. वापस से इधर आते हैं, हमने ये चीज, ये बात सबको क्लियर होगी कि इस इन तीनों सालों में गलती किससे क्या हुआ, 30,000 से कम प्रॉफिट हमने सिर्फ जवाब जवाब दे रहे हैं, बाकी भी यस या ओके कर दें या नो करें अगर समझ में नहीं आ रहा तो. जी 30,000 की समझ नहीं आई है, 30,000 की इधर देख लेते हैं वापस से. ये बात समझ आ गई, ये जो मैंने यहाँ लिखे हुए क्या हुआ है 2009 में, ये वाली इंडिविजुअल ईयर्स की समझ में आ गई, राइट. इंडिविजुअल ईयर्स की समझ में आ गई कि 2009 में 40,000 चला गया था एज एन एक्सपेंस, ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है which was charged to profit and loss as an expense, पूरा का पूरा 40,000. तो 40,000 को एक्सपेंस तो होना नहीं चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था क्या, प्लांट एंड मशीनरी, राइट. प्लांट ही है, हाँ प्लांट है, राइट. तो उन्होंने डेबिट क्या कर दिया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 40,000 से. तो हमने क्या करना है, हमने कहना है कि इस 40,000 से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, एक्सपेंस चार्ज हो गया, होना नहीं चाहिए था. और फिर जब हम देखते हैं कि फिर एक्सपेंस चार्ज कितना होना चाहिए था, तो हमें वो पता लगता है कि वो सिर्फ डेप्रिसिएशन का एलिमेंट होना चाहिए था सिर्फ चार्ज एज एन एक्सपेंस. तो हमने क्या कर दिया, 2009 में हमने 38,000 से एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया था. इसका क्या मतलब हुआ, 2009 में 38,000 का हमने कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, अंडर स्टेटेड था वो. अंडर स्टेटेड का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल होना कितना चाहिए था, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये करेक्ट फिगर है, 1,38,000 प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन कितना प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, 1,00,000 रुपीज. तो इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट वाज अंडरस्टेटेड. तो अब हमने इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, राइट, बढ़ाना है. सिमिलरली 2010 में क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, 4,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हमने दिखा दिए 2010 में भी और 11 में भी. अब हमने करना क्या है, अब हम ये देखते हैं हम खड़े हुए कहां पे, 1 जनवरी 2012 पे खड़े हुए हैं, और हम पीछे मुड़ के पिछले 3 सालों का देख रहे हैं कि ये गलती हो गई. कलेक्टिवली हुआ क्या, 38,000 से कम प्रॉफिट, 4,000 से ज्यादा प्रॉफिट हो गया. तो अगर हम नेट बेसिस पे देखें तो क्या हो रहा है, 38,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000, यानी के
नेट बेसिस पे 30,000 से आपने बेसिकली प्रॉफिट अंडरस्टेट किया है। 38,000 से अंडरस्टेटेड था, 4,000 यानी कि 8,000 से ओवरस्टेटेड था बाकी 2 सालों में। तो 3 सालों का इकट्ठा जब हम करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि टोटल नेट बेसिस पे 30,000 का इफेक्ट पड़ा है। राइट, क्लियर है अब्बास? और क्या इफेक्ट पड़ा है कि 30,000 से आपने प्रॉफिट कम शो किया था, कम डिस्ट्रीब्यूट किया था, अंडर स्टेट कर दिया था। इसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, 3 सालों का इकट्ठा वो कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, एरर की रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस डेट पे आके हम ये कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अब हम 30,000 एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने पार्टनर्स को। अब 2009, 10 और 11 सवाल ये आता है कि ओल्ड पीएसआर या न्यू पीएसआर। अब उसका जवाब जो है वो आसान है, और वो जवाब इसका क्या है कि 2009, 10 और 11 में ओल्ड पीएसआर ही फॉलो हो रहा था। राइट, तो इस वजह से क्या हुआ, 30,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये होगा आपके ओल्ड पीएसआर के ऊपर। आपने सिंपली क्या कर देना, आपने कहना है कि जिस तरह आप शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, उस तरह आप एडिशनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, कर दोगे। ठीक है, क्लियर हो गई अब बात? तो आपने क्या करना है, 30,000 का एडिशनल कैपिटल सॉरी कैपिटल अकाउंट में एडिशनल बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करना है कि अब आप एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। 30,000 को जरा डिस्ट्रीब्यूट करें 1:1:2 में, 1/4 कितना आ रहा है, 1/4 यही आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो ये आपने स्टेप नंबर 4 में जो प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक हमीदुल्ला, वेरी गुड। तो जो स्टेप नंबर 4 में आपने प्रॉफिट का पहले इम्पैक्ट निकाला कि क्या गड़बड़ हुई, कितने अमाउंट से हमारा प्रॉफिट का गलत हो गया, अब आपने उसको ठीक कर दिया। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखें क्या हो रहा है, ये तो आपका सारा काम हो गया किस केस में था। अब एक और रहता है, स्टेप नंबर 5 रहता है, 1 जनवरी 2012 पे ही खड़े हैं अभी तक हम। अब एक डेट आगे भी नहीं बढ़े, हम 1 जनवरी 2012 पे खड़े हुए हैं। हमने नवाज की रिटायरमेंट के टाइम पे रिवैल्यूएशन कर लिया, प्रॉफिट में एरर था उसको एडजस्ट कर दिया, गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी, और अब हमें क्या करना है, नवाज को उसका हिस्सा पे ऑफ करना है। राइट, तो अभी आप क्या करेंगे, ये बात याद रखें कि आपको कैपिटल अकाउंट सिर्फ 1 जनवरी का नहीं बनाना। एक्सक्यूज मी, आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है पूरे साल का। लेकिन आप कर क्या सकते हैं, इस डेट पे आके नवाज के साथ आपका नवाज का साथ आपका खत्म हो गया। राइट, अच्छा यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी, अफन का भी कॉलम आएगा। ठीक है, अफन का भी कॉलम आना है। यहाँ पे आप लोग 4 कॉलम यहां से कल मैंने बनवाए थे, नहीं बनवाए तो अभी आप कर दें, 4 कॉलम होंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा उसको, आप थोड़ा क्या कहते हैं, अपने जो रजिस्टर है उसको आप वर्टिकली बना सकते हैं उसको। ठीक है, वर्टिकल रख के तो 4 कॉलम करने हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या सिचुएशन हुआ, इस स्टेप पे आके नवा चाहे तो आप उसको ब्रेक करके भी बना सकते हैं, जो कैपिटल अकाउंट है उसको आप ब्रेक करके भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक ही अकाउंट बना लो। इस पॉइंट पे आके नवाज के साथ तो आपका खत्म हो रहा है सारा हिसाब किताब, तो आप करें क्या, नवाज का तो बैलेंसिंग फिगर निकालें, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नवाज को चेक के थ्रू पे ऑफ कर दिया गया। तो आपने सिर्फ क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है सिर्फ और सिर्फ नवाज का। अगर सिर्फ 1 जनवरी पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो आप तो बाकी के भी बैलेंसिंग फिगर निकाल के उनको कैरेट डाउन बना सकते थे, लेकिन अब कैरेट डाउन कौन सी डेट पे बनेगा, December 31st। राइट, तो अब जब आप नवाज की जब आप सारी कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास आता है 385375। जरा कैलकुलेशन चेक कर लें, यही आ रहा है 340 प्लस 36 प्लस 1875। हाँ ठीक है, तो ये आपको हो गया कि 1 जनवरी पे 2012 को आपने नवाज को इतना पे ऑफ कर दिया। अब हम चलते हैं और आगे, 1 जनवरी से अब आ गया 2 जनवरी, फिर 3rd 4th 5th। अब क्या सिचुएशन हुआ, अब आप पहुंच जाते हैं September 1, 2012 पे। ठीक है,
September 1, 2012 पे जब पहुंचते हैं, अब यहाँ पे आके आप रुक जाए, अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को जो जिस तरह से भी इसकी अकाउंटिंग आसान लगे। मेरे लिए ज्यादा आसान ये है कि मैं क्या करूं, मैं पूरा September 1, 2012 यानी कि एक दिन पहले कर लें, 31 अगस्त 2012 तक का अब मैं सारी अकाउंटिंग कंप्लीट कर लूं। तो 1 जनवरी की तो मैंने अकाउंटिंग कर ली, जो चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आया था। एक चीज रह गई है और वो रह गई है 31 अगस्त तक का प्रॉफिट। ठीक है, अब 31, अब जितना बेसिक अकाउंटिंग में हमने ये पढ़ा था कि अगर पूरे 12 महीने का प्रॉफिट आ रहा है 1260। अच्छा, अब इसमें किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि इसमें भी हमें प्रॉफिट एरर जो हुआ है हमारा 40,000 वाला, उसकी भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? ये बात तो किसी को कंफ्यूज नहीं कर रही ना? ठीक है, ये बात कंफ्यूज भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस बात को देखिए, हमने 1 जनवरी 2012 को एरर की रेक्टिफिकेशन कर ली, हमने ठीक कर लिया जो भी एरर हमारा आया था। ठीक है, तो जब ये काम हो गया, 1 जनवरी 2012 को रेक्टिफिकेशन हो गई और यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये वाला जो प्रॉफिट है दिस इज येट टू बी एडजस्टेड, इसमें भी वो एरर शामिल है, हम क्या कहेंगे? हम आराम से ये कह सकते हैं ये इन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक कैलकुलेट किया हुआ है और इसमें इस प्रॉफिट एरर का कोई इम्पैक्ट शामिल नहीं है, हमने कुछ भी इसमें से ठीक नहीं करना, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, 12 अपने लिए जिंदगी आसान बनाए। ठीक है, जो चीज मेंशन नहीं हुई भी उसको आप कहें कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेट है सब। तो 1260 क्या है? पूरे जनवरी से दिसंबर तक का आपका प्रॉफिट है 2012 का। अब इसको आपने क्या कर देना है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। और दो पार्ट में डिवाइड करने का रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो January to 31 अगस्त आपके पास PSR कौन सा फॉलो हो रहा है? PSR 1, न्यू PSR 1, जो कि क्या है, 2:1, 1:2 ना, आसिफ और अल्ताफ का। और जो आपके पास स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था कल ही। अब यहाँ पे इस पीरियड के लिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज होगा वो होगा 2:1, यही आ रहा है, 2:3:1। ठीक है, 2:3:1, और 2 किसका है? आसिफ, अल्ताफ और अश्विन। आसिफ, अल्ताफ, अश्विन, 2:3:1। ठीक है, यही है, कल हमने ये निकाला था, राइट? तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें प्रॉफिट भी ख्याल रखना है 1260000। इस पीरियड में 8 महीने अगस्त तक, 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक, into 8/12, और इसको हम कर देंगे 1260000 multiplied by 4/12। कितना आ रहा है आपके पास टोटल प्रॉफिट पहले उसका? 1260 multiplied by 8/12 करें जल्दी से, 84,000। और दूसरे वाले का 1,40,000। ठीक है, ₹420। अब आपने क्या करना है, सिंपल, आसिफ अल्ताफ ठीक है, इस रेशियो में आपने डिवाइड कर देना है। तो आसिफ और अल्ताफ को जो पहले 8 महीनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 280 और 560। ये आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर ली। और दूसरे आपके जो रिमेनिंग 4 मंथ हैं उसके अंदर क्या पोजीशन है?
उसमें आपके पास जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है वो है 140, 210 और 70। और ये टोटल 4,20,000 की डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन वही कर रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट अब आपका लंबा बना रहे हैं, ठीक है। टाइम सेव करें अपना। फंड अल्ताफ और असफंड, तो इसको आप आगे लिख दें गुडविल वन, ठीक है। पहली गुडविल, क्योंकि गुडविल यहाँ पे दो दो उसमें टाइम पे होगा, 36, 36, 72। मिल, और यहाँ पे गुडविल वन की राइट ऑफ है 48 और 96। यहाँ पे रिवैल्यूएशन गेन वन का राइट ऑफ है, क्योंकि दो चेंजेस हैं पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में, तो दो दफा ये रिवैल्यूएशन और गुडविल आ सकती है, तो आप उसको वन और टू से चाहे तो कर सकते हैं। 2,500 और 5,000 रिवैल्यूएशन गेन वन, ये काम हो गया था। और फिर हमने एक और ये कर लिया था कि हमने नवाज की बैलेंसिंग फिगर निकाल ली थी जो कह रही 385375, ठीक है। अब आप करें क्या, अब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें। अब आप इस पॉइंट पर आ गए हैं, चाहे तो आप अब आपको पता लग गया है कि पूरा 1260 किस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो आप चाहे तो आप टोटल फिगर लिख दें कि जी टू पूरे साल में आसिफ को टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना मिला, अल्ताफ को टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना मिला, ठीक है, और असफंद को जाएगा सिर्फ इतना, नवाज को तो जाएगा ही नहीं। चाहे तो जिस तरह से कर लें, चाहे तो अलग अलग कर लें। मैं इसको कंफ्यूजन दूर रखने के लिए अगर हर चीज को अलग अलग कर रहे हैं तो मैं इसको भी अलग कर लेती हूँ। शेयर ऑफ प्रॉफिट का मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जनवरी से अगस्त तक, ठीक है, और वो मैं बता देती हूँ आपका आसिफ और अल्ताफ को 280 और 560, 280-560। कॉलम्स का ख्याल रखें, नवाज अब नहीं है फर्म्स में, बिजनेस में, ठीक है। और फिर आपके पास आ गया सितंबर से दिसंबर तक का, वो फिर आपके पास तीन लोगों के पास जा रहा है 140, 210 और 70,000। तो हमने क्या किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट का काम भी हमने चला इकट्ठा कर लिया, ठीक है। यानी कि आपने क्या कर दिया, पूरे साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1 जनवरी को जो एडजस्टमेंट हो रही थी वो आपने, चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर हो रहा था वो आपने कर लिया। अब आप आते हैं 1 सितंबर पर, ठीक है। 1 सितंबर पे क्या हुआ, दोबारा से पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में चेंज आ गया उसी साल। कुछ भी नहीं करना, दोनों पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के चेंजेस को आपने क्या रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है, ठीक है। दोनों अलग अलग है। दोबारा से क्या होगा, आपको दोबारा से गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि रेस करना है, राइट ऑफ करना है, रिवैल्यूएशन होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि रेस रखना है, राइट ऑफ करना है, उसके अलावा अगर कोई और प्रॉफिट में एरर है उसके एडजस्टमेंट, कोई जनरल रिजर्व अगर बन गया तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा नहीं, सेम साल है इसलिए, करंट अकाउंट है उसकी ट्रांसफर हो गया, और फिर अल्टीमेटली कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, असफंद वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर, अब यहाँ पे एडमिशन हो गया। वो ये बता रहा है कि ही ब्रॉट रुपीज 5 लाख एज कैपिटल, न्यू पीएसआर हम इस पॉइंट के लिए भी
पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। ही ऑल्सो ब्रॉट कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये जो 5 लाख रुपए वो लेकर आ रहा है कैपिटल के एम्बिट में, और वो अलग से उन्होंने बता दिया कि वो ऑल्सो इसके अलावा भी कैश लेकर आ रहा है अपने गुडविल के लिए, और तब दोबारा बता दिया फॉर हिज एडमिशन टोटल गुडविल वाज वैल्यूड एट 2,40,000। अब देखिए 1 जनवरी को जो गुडविल हमारी बन रही थी वो थी 1,44,000, वो हमने क्या किया था रेज करके उसी दिन बुक्स में से वापस उसको निकाल दिया था। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब एक एंटायरली डिफरेंट फिगर आ रही है कि अब टोटल गुडविल इस पॉइंट पे दोबारा से वैल्यू की जाती है और वो पता लगता है कि वो कितनी है 2,40,000। हिज प्रॉफिट शेयर वॉज अग्रीड टू बी 1/6 ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो कि वो पूरा हिसाब से लेगा, इसके लिए हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए इस्तेमाल किया था इसको, और वो ये बता देगा कि रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, यानी कोई भी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस बुक नहीं करना, और ये टोटल प्रॉफिट बता रहा है। आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सिंपल। इसमें स्टेप नंबर वन में न्यू PSR हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, गुडविल रेस करके राइट ऑफ करना है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, अब हम आ गए हैं किस पे, अब हम आ गए हैं 1 सितंबर 2012 पे। अब जो 31 अगस्त 2012 तक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कौन सा था, ये आप ये था ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ये 1 जनवरी के लिए ये वाला शेयर था न्यू PSR, लेकिन इस डेट के लिए ये आप बन जाएगा क्या, दिस वुड बी द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू PSR क्या बन जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो बन जाएगा जो आपने असफन के साथ का कैलकुलेट किया था 1/6, 3/6 और 2/6। इज दैट क्लियर, ये वाला पॉइंट ठीक है, क्लियर हो गई बात, 2:3:1, ठीक है, ये अब आपने कर लिया। तो अब क्या करना है, गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना है, गुडविल को रेज करना है आपने 2,40,000 पे, तो गुडविल आपका डेबिट होगा 2,40,000, और आपके कैपिटल अकाउंट कौन से क्रेडिट होंगे, पुराने वाले आसिफ और अल्ताफ क्रेडिट होंगे 1:2 के रेशियो में। तो ये जब हमारा रेज होता है तो कितना आ रहा है, अमाउंट बताइएगा जरा, 60,000, 80,000 और 160, ठीक है, 80,000 और 160,000, और फिर आपने इसको राइट ऑफ भी करना है, तो आप क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट अब आप कर देंगे क्या डेबिट, और कौन से, न्यू PSR पे आसिफ अल्ताफ और असफन, 2, 3, 1, और 2,40,000 से गुडविल आप कर देंगे क्रेडिट बुक्स में से, सेम डे खत्म भी हो गया, जरा करें, यही है, ठीक है। दोबारा से कैपिटल अकाउंट में आए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं, और हम गुडविल नंबर 2 के बारे में यहाँ पे डबल एंट्रीज पास कर देते हैं। गुडविल 2 पहले आपको रेज करनी है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट करना था आसिफ और अल्ताफ का 80 और 160 से, 80,000। जी सब फॉलो कर रहे हैं, जल्दी तेज तो नहीं हो रहा किसी के लिए, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो बता दें, आई स्लो डाउन, लेकिन हम पहले कर चुके हैं इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चल रही हूं मैं। जी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, गुड, ठीक है, सब ओके कर दें प्लीज, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, ठीक है। नवाज का मिल है, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर, तो स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया सेकेंड चेंज के टाइम पे, सेकेंड चेंज की डेट पे। फिर
फिर आपके पास स्टेप नंबर थ्री रीवैल्यूएशन, क्वेश्चन ने हमारे लिए आसानी कर दी, वो ये कह रहा है कि आज इस डेट पे आप सितंबर 1 पे दोबारा से आपको कोई रिवैल्युएशन करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर थ्री खत्म। स्टेप नंबर फोर के लिए भी उन्होंने कोई चीज नहीं बताई हुई, स्टेप नंबर फोर भी नहीं। स्टेप नंबर फाइव में अब हम कैपिटल से रिलेटेड जो डबल एंट्रीज पास करते हैं हम वो पास करते हैं। असफन जो है दो तरीकों से कैश को लेकर आ रहा है, एक कैश लेकर आ रहा है कैपिटल की एम्बिट में और दूसरा कैश लेकर आ रहा है किसकी एम्बिट में, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो कैसे निकालेंगे, टोटल गुडविल है 2,40,000 और उसका शेयर हर चीज में कितना है 1/6 है। तो असफन जो है वो दो चीजों के लिए कैश लेकर आ रहा है, 5,00,000 का कैपिटल प्लस गुडविल के उसको कितने पैसे लेकर आने हैं, 240 × 1/6, ठीक है, यानी कि 40,000। तो टोटल कैश वो कितना लेकर आ रहा है, 5,40,000। तो इससे डबल एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट कैपिटल अकाउंट असफन का क्रेडिट कितने से, टोटल 5,40,000 से हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट में गए और यहां पे हमने कैश और इसके कॉलम में 5,40,000, दैट्स इट। आपने क्वेश्चन में गिवन हर इंफॉर्मेशन को, हर चीज को कर लिया है कवर, कुछ भी नहीं रहता, शेयर और प्रॉफिट भी चला गया, राइट। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, कैरेट डाउन निकाल लेंगे, दैट्स इट, हो गया। और क्वेश्चन में इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि नए फर्म का जो है 31 दिसंबर पे टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए और पीएसआर में, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर आएगी आसिफ की, नवाज की नहीं आएगी, अल्ताफ की और असफन की, कितनी कितनी आ रही है जल्दी से कैलकुलेट करें। सेवन सेवन फोर एट सेवन फाइव अल्ताफ का है, 1249750 और असफन का है 5,70,000। ठीक है, जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक मौजूद है, पीछे इन्होंने गुडविल की ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट की हुई है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से उसको कैलकुलेट किया हुआ है, हमने वो वाला मेथड फॉलो नहीं किया। बैलेंस कैरेट डाउन आपका एनी हाउ सेम आएगा। ठीक है, इतना ही आ रहा है, 7,74,875,1,249,750 और 5,70,000। और इस तरह से हमारा पूरे साल का कैपिटल अकाउंट हो जाता है कंप्लीट। जल्दी से फाइनल करें, ओके करें। पार्ट बी में मैं आपको जरा बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, मुझे जो है मुझे इस वीक जो है पार्टनरशिप खत्म करना है इन एनी केस, ठीक है। तो आई एम प्लानिंग कि मैं संडे को इंशाल्लाह अपनी क्लास रखूंगी, मैं घर से ही लूंगी क्लास को, ठीक है, वो होगी वहां से 1-1.5 घंटे की, तो आराम से होगी, ताकि हम जितने भी चीजें रह गई हैं हम आराम से तहमुल से अपना पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करें, ठीक है। टाइम लगता है इसमें पार्टनरशिप में, तो जो नहीं अटेंड कर सकते वो रिकॉर्डिंग पे रिलाई कर लीजिएगा, वरना आई विल टेक द क्लास इंशाल्लाह, टाइम मैं आपको इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगी सैटरडे को, ठीक है जी। चले आगे, वॉइस जी, हसनैन आपका 767 आ रहा है, इसका आसिफ का, अब देखो वर्किंग का मसला तो नहीं है,
774875 1,40,280,1,875 36,000 अच्छा इसमें ओ सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन करना वो भूल गई थी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, करेक्शन ऑफ एरर, मैंने जब नया बनाया तो ये कॉपी करना भूल गई मैं, करेक्शन ऑफ एरर भी तो है। सही आएगा ठीक है, चलें ये कर लीजिएगा ठीक है, कुछ भी नहीं है ये, वही करेक्शन ऑफ एरर मैं यहाँ पे कॉपी करना भूल गई थी, वो तीन वाले जो बनाए थे तो उसमें हमने डाला था ये ठीक है, और अस्पन का निल है, कोई शेयर नहीं है। चले अब आ जाएगा इंशाल्लाह सेम, अब हम आते हैं, कर लीजिएगा इसको बैलेंस आराम से। अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अगर बात होती है इस सिनेरियो में क्या था, दोनों चेंजेस के टाइम पे गुडविल शुड नॉट बी रिटेन्ड इन द बुक्स, यानी कि जैसी रेस किया फौरन से राइट ऑफ भी कर दिया। अब यहाँ पे अगर आ जाता है सवाल में कि अगर आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने चाहे बनाने हो ठीक है स्टैन, जैसे आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हो विद द प्रिजम्पशन कि गुडविल इज टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, तो अब उसमें आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक तो आपको पता है कि राइट ऑफ की तो डबल एंट्रीज नहीं होंगी ठीक है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, वो तो डिफरेंस है ही है इसमें, सिर्फ और सिर्फ गुडविल के स्टेप में अब डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी ठीक है। क्यों आपको पता है गुडविल का इफेक्ट इस पे कोई नहीं पड़ेगा, रिवैल्यूएशन गेन ये वाली फिगर सेम रहेगी, ये वाली सेम रहेगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम रहेगा, करेक्शन ऑफ एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ चेंज क्या होंगी फिगर, जाहिर सी बात है क्योंकि ये वाली चीज आपकी जो मैं ये वाला हो रहा है ये हमारा चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, और यानी कि बैलेंसिंग फिगर्स हमारी चेंज होंगी, और जहां जहां गुडविल जा रहा है ना वो फिगर चेंज होगी, ये भी आपकी बैलेंसिंग फिगर है इसलिए ये भी चेंज होगा, और ये दोनों भी आपकी तीनों चारों फिगर्स भी आपकी चेंज होंगी। अब जरा इधर आ जाए ठीक है, मैं दोबारा से कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, आप लोग भी कॉपी कर लें, जिसमें बाकी सब रह गया ना प्रॉफिट एरर आपका उसी तरह से होगा जैसे हमने स्टेप पार्ट ए में किया है, मतलब मैं बता रही हूँ कि डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग के अंदर ठीक है। आसिफ नवाज अपने पास नोट कर लें, ऑल अदर आइटम्स विल बी कैलकुलेटेड सेम एज इन पार्ट ए, मैं वो दोबारा से कैलकुलेट नहीं कर रही ठीक है। आसिफ नवाज अल्ताफ हसन और दो चीजें हम दोबारा से नहीं करेंगे वो हैं ये 360 340 तो वैसे भी चेंज नहीं होना था, और 450 ठीक है। अच्छा हाँ जी, और असफन का क्या है, असफन का नहीं पता आपको, चले फर्स्ट जनवरी 2012 आ गया ठीक है, फर्स्ट जनवरी 2012 पे स्टेप नंबर वन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी तरह से बनाए कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हम पार्ट ए में कर चुके हैं। स्टेप नंबर टू जो है हमारा गुडविल का ठीक है, वेरी गुड, पता है आप लोगों को ठीक है। अब गुडविल के केस में आपको पता है अब डिफरेंस क्या हो जाएगा कि आपने गुडविल को सिर्फ रेज करना है, अमाउंट कितनी है वो भी वैसे ही कैलकुलेट होगी ठीक है, इंटू फोर यानी कि 1,44,000 इंटू सिक्स, सिक्स या फोर है, फोर था ना, फोर है ठीक है इंटू फोर, तो आपने क्या किया गुडविल को डेबिट किया 1,44,000 और आपने
कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया आसिफ, नवाज और अल्ताफ को, 36, 36 और 72। और डिफरेंस क्या है कि अब आप इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे इस डेट पे, ठीक है? आपने राइट ऑफ नहीं करना, तो आप जरा इधर आ जाए। इसका मतलब ये हुआ, ये सिर्फ समझने के लिए, अगर मैं गुडविल का अकाउंट बनाऊं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 जनवरी 2012 को गुडविल को मैंने डेबिट कर दिया 1,44,000 से, और मैंने उसको कैपिटल अकाउंट का रेफरेंस दे दिया। तीनों का मैं इकट्ठी फिगर लिख रही हूँ, ठीक है? और मैंने इसको क्या किया, क्रेडिट नॉर्मली करते हैं अगर राइट ऑफ करना हो, मैंने इसको क्रेडिट नहीं किया फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2012 को गुडविल के टी अकाउंट में बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या किया, बस आपने रेज कर दिया, गुडविल वन आपने रेज कर दी 36,000, 36,000, 72,000 एंड दैट्स इट। तो अभी तो इसमें ऑब्वियसली कोई नई बात नहीं है। अब हम बाकी चीजें कॉपी कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन गेन जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही होगा, 1875, 1875, 3750 और 0, ठीक है? और रीवैल्यूएशन गेन को आपने राइट ऑफ भी करना है, तो आपके पास 2,500, नवाज को 0 और अल्ताफ को 5,000 राइट ऑफ हो जाएगा। फिर आपने क्या करना था, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी थी, और ये प्रॉफिट एरर एडजस्टमेंट हम करेंगे 1 जनवरी को ही नवाज के बैलेंस को कैलकुलेट करने से पहले ही, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नवाज के पास ही तो जाना है, ठीक है? तो ये जब हमने प्रॉफिट के एरर को करेक्ट किया था तो हमारे पास कितना आ रहा है, 7,500 और 15,000, ठीक है? स्टेप नंबर वन हो गया, सॉरी स्टेप नंबर टू गुडविल, स्टेप नंबर थ्री रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर फोर प्रॉफिट एरर एडजस्टमेंट, और स्टेप नंबर फाइव के लिए अब आप क्या करें, नवाज की बैलेंसिंग फिगर निकालें। ये डिफरेंट होगी, पिछले पार्ट से डिफरेंट होगी, ठीक है? कितनी आ रही है जरा जल्दी से कैलकुलेट करें, 3,40,000 प्लस 36,000 प्लस 1875 प्लस 7,500, कितना आ रहा है टोटल? अच्छा सेम ही आएगा, नहीं सेम ही आएगा, ठीक है ठीक है, ये वाला सेम आ रहा है, 385375, राइट, ये सेम आ रहा है, ठीक है? लेकिन आपने फिर भी कैलकुलेट कर लिया, राइट? तो बैलेंसिंग फिगर आ गई, अब नवाज का किस्सा हो गया खत्म, राइट? फिर आपने क्या किया, फिर आप आ गए 2 जनवरी हो गया, और आप अल्टीमेटली पहुंच गए कब, 31 अगस्त पे पहुंच गए। तो आपने ये कहा कि अब जो दोबारा से हलचल मचेगी अकाउंटिंग की, उससे पहले ही मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना भी बनता है पुराने रेशो के हिसाब से दो पार्टनर्स को जनवरी से अगस्त तक का मैं उसकी अकाउंटिंग कर लेती हूँ। मैं ये कर लेती हूँ कि भाई वो उनको कितना मिलेगा, ये भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, हमने दूसरा पार्ट ए में कैलकुलेट किया है, और वो कहाँ है हमारे पास, ये रहा 280 और 560, ठीक है? तो आपने ये कर दिया, 2,80,000 नील, 5,60,000 और दोबारा से नील। और साथ ही हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए सितंबर से दिसंबर वाले के भी अप्रोप्रिएशन दिखा देते हैं, और वो है हमारे पास 140, 210 और 70, ठीक है? 140, 210 और 70,000, इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिर्फ गुडविल की मैंने अब अजम्पशन चेंज कर दी है, तो अब हम देखेंगे कि अब गुडविल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो अब क्या किया, सितंबर से दिसंबर का भी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आ गया 1 सितंबर 2012, 1 सितंबर 2012 आता है, हमें दोबारा से अब क्या करना है, उन 5 स्टेप्स को रिपीट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। जब हम आते हैं 2nd स्टेप पे, गुडविल पे, अब वो क्या कह रहा है, फॉर हिज एडमिशन टोटल गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹2,40,000 कि 1 सितंबर 2012 को अब पूरी फर्म की जो टोटल गुडविल है उसकी वैल्यू कितनी है, 2,40,000। अब जरा इधर आए,
आपके पास ऑलरेडी गुडविल रेज हुई भी रखी हुई है, पड़ी हुई है। 1 जनवरी 2012 को आप गुडविल को बुक्स में ला चुके थे 1,44,000 को, और आपने उसको राइट ऑफ नहीं किया था। अब क्या करना है दोबारा से, क्योंकि चेंज हुआ, दोबारा से गुडविल की असेसमेंट की गई तो पता लगा कि आज के दिन जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो 1,44,000 नहीं है, 2,40,000 है। अब क्या करेंगे, क्या दोबारा से गुडविल को हम डेबिट करेंगे 2,40,000 से करते, ये नोट मत कीजिएगा। अगर आप ये कहेंगे ओ अच्छा फिर हमें ये करना पड़ेगा, अब हमें 1 सितंबर को दोबारा से डबल एंट्री पास करनी पड़ेगी, गुडविल डेबिट 2,40,000, और हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दें ओल्ड पीएसआर पे, यानी कि वो हो जाएगा 80,000 और 160,000। चले इस तरह से करके देखते हैं। और हमने क्या करना है, गुडविल रेज करके अगेन इस पॉइंट पे भी हमें राइट ऑफ नहीं करनी, क्योंकि वो कह रहा है कि जब जब गुडविल आप कैलकुलेट करोगे उसको आपने बुक में रिटेन रखना है। तो 144 को भी रेज करके रिटेन किया और 240 को भी रेज करके बुक्स में रखना है। तो अब गुडविल को हम क्या करें, 2,40,000 से अगर हम डेबिट कर दें, और फिर फॉर एग्जाम्पल उसको राइट ऑफ तो हमने करना नहीं। अब आ गया 31 दिसंबर, आ गया ईयर एंड आ गया। अब जब हम गुडविल के अकाउंट को क्लोज करेंगे, गुडविल हमारा क्या है, नॉन करंट एसेट है राइट, तो उसका बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अब जब हम इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है, 3,84,000। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बात ये करता है कि 31 दिसंबर पे गुडविल है 3,84,000 की, लेकिन वो तो हमें पता ही नहीं है। 31 दिसंबर पे अनलेस के कोई चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आएगा, हमें गुडविल से कोई गर्ज ही नहीं है, हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे दोबारा से गुडविल को, तो ये बात तो फिर मिसलीडिंग हो जाएगी। क्या पता 31 दिसंबर को 3,84,000 गुडविल हो भी या ना भी हो, कुछ भी नहीं पता हमें, हमने असेसमेंट करनी ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा गलत, ये मिसलीडिंग हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एट दिस पॉइंट, या इवन अगर आप ये कैरेट डाउन निकालते हो 31 दिसंबर, चलो उससे इतना मेरा तो समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी सुबह के वक्त जो है वो एडमिशन हुआ F1 का, ठीक है, आप जरा मुझे ये बताओ कि 1 सितंबर की शाम को कितना बैलेंस है गुडविल के अकाउंट में, तो आप तो मुझे ये बताएंगे ना 3,84,000। उसी दिन की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे 1 सितंबर 2012 का ही जरा क्लोजिंग बैलेंस बताएं गुडविल का इस डबल एंट्री को पास करते हुए, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि अच्छा जी बैलेंस कैरी डाउन आज की डेट पे 1 सितंबर 2012 को बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 3,84,000, लेकिन ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि आज के दिन जो मैंने असेसमेंट की थी वो तो की थी 2,40,000 की, राइट, तो ये तो गलत हो गया। तो अब आपको करना क्या है, अगर ऐसा सिनेरियो हो कि गुडविल पहले से आपकी बुक्स में आ रही हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि अच्छा फिगर्स में क्या डिफरेंस है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी गुडविल 1,44,000 की रेज थी बुक्स में, आपने इस 144 को इंक्रीज करके कितने पे लेकर आना है, 2,40,000 पे लेकर आना है। तो इसका क्या मतलब है, अब जो आप डबल एंट्री पास करेंगे वो पास करेंगे इस फिगर से, कितना आ रहा है 96,000, 96,000 आ रहा है, जल्दी से बताएं फिर क्लोज कर दें इसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने जो डबल एंट्री पास करनी है ना, अब वो पास करनी है गुडविल आपने करनी तो है डेबिट, लेकिन किस अमाउंट से, 96,000 से। क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल अकाउंट किसका, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन कौन सी डेट पे, 1 सितंबर में जो ओल्ड पीएसआर था जिसमें नवाज शामिल नहीं है, ठीक है, आसिफ और अल्ताफ 1:2, जल्दी से कैलकुलेट करें। कितना आ रहा है, 32,000 और 64,000,
बात समझ आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, जब अब आपने गुडविल को डेबिट किया 96,000 से, कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, अब आप किस भी, अब आपने राइट ऑफ तो करना नहीं है। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर भी आ जाएगा ना, आपके पास बैलेंस कैरी डाउन की फिगर आनी चाहिए जो आपने सबसे रिसेंटली असेस की है वैल्यू वो, ठीक है। तो 2,40,000 आपका बैलेंस कैरी डाउन आना चाहिए, राइट। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, गुडविल आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी नजर आ रही होगी, क्यों, क्योंकि आपने उसको रेज करके राइट ऑफ नहीं किया 2,40,000 पे। बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया, गुडविल को आपने रेज किया कितने से, 96,000 से 32,000 और 64,000, और उसको आपने राइट ऑफ नहीं करना। तो अब जो यहाँ पे सेकेंड गुडविल की फिगर आ रही है वो आएगी आपके पास 32,000-64,000। इज दैट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया सारा। ये आपके पास गुडविल हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने किया था, कैश की फिगर वैसे के वैसे ही कैलकुलेट होगी कि असफन जो है वो कितना कैश लेकर आ रहा था, 5,00,000 लेकर आ रहा था कैपिटल की फॉर्म में, और कितना था, 40,000 था गुडविल के उसमें, 5,40,000। ये बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले उसमें किया था, चेक कर लेते हैं इसको, यही है फिगर, ठीक है, यही है 5,40,000, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, सिंपली बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेने हैं। आसिफ नवाज का नहीं होगा, अल्ताफ और असन, जल्दी से कैरेट डाउन बताएं ताकि कंपेयर करके हम क्लोज करें इसको। तो इसमें हमने दो चीजें देखी कि अगर आपका रिटायरमेंट और एडमिशन एक ही साल में हो रहा है तो हम उसको किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, और अब हमने एक और नई चीज देख ली कि अगर गुडविल ऑलरेडी पहले से बुक्स में आ रही है तो, और हमें फर्दर उसको रेज करना हो तो फिर हम उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसका आ रहा है 854875, अल्ताफ का आएगा 450+72,000+3750+15,000+560+210 +64,000 -5,000 1,369,750, ये चेक कर लें, ठीक है। तो कैलकुलेशन, और बस असन का भी फिर आप बैलेंसिंग फिगर वही आएगा, 5,70,000 ठीक है जी। बात क्लियर है, गुडविल रिपीट कर तुम सेकेंड वाली, ठीक है, कर देते हैं रिपीट। जिसको समझ में आ गई है, अगर आपकी FIR 2 की क्लास है यू कैन लीव, नई बात अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो सेकेंड गुडविल है, फर्स्ट गुडविल तो बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, 144 का आपने गुडविल को रेस किया और बुक्स में उसको रहने दिया। तो जब हम ब्रेस करके उसको बुक्स में रहने देते हैं तो पोजिशन क्या होती है कि आपके पास गुडविल के अकाउंट में डेबिट साइड पे 1,44,000 नजर आ रहा है, कौन सी डेट को, 1 सितंबर को, और ये आपने रेस की थी 1 जनवरी को, राइट, जो कि अभी तक बुक्स में पड़ी हुई है। अब सवाल के अंदर वो आपको ये कह रहा है कि क्योंकि दोबारा से पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में चेंज आया तो दोबारा से गुडविल की असेसमेंट हुई, और जब गुडविल की दोबारा से असेसमेंट हुई तो पता चला कि गुडविल की वैल्यू जो है अब आज की डेट पे यानी कि सितंबर 1 को क्या है,
2,40,000। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है, आपने देखना है एग्जैक्टली द टोटल गुडविल, एग्जैक्टली टोटल गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल गुडविल, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि अच्छा इससे पहले गुडविल, इस डेट से पहले गुडविल कितना ऑलरेडी आ रहा है। एग्जैक्टली वी सिंपली रेज द डिफरेंस, ये बात है। गुडविल ऑलरेडी बुक्स में आ रहा है 1,44,000, आपने कितना बनाना है उसको 2,40,000, तो आपने 96,000 से एडिशनल गुडविल बुक करनी है और उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग पे करते हैं ओल्ड पीएसआर पे। और ये ओल्ड पीएसआर बेसिकली वो वाला नहीं है, आसिफ नवाज और अल्ताफ वाला नहीं है, आसिफ और अल्ताफ वाला है, पीएसआर 1 है ये, न्यू पीएसआर 1 जो कि इस पॉइंट पे ओल्ड कंसिडर होगा, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई जी। हमीदुल्ला, हसनैन, जवाद, शुमाइला, सॉरी, अगर अगर वो कहे कि रेज बाय करनी है 240, तो फिर हाँ आपको भी वो फिगर फिर इंक्रीज की फिगर है ना, ठीक है। वो फिर तो वो अगर रेज बाय के बारे में बात कर रहा है या इंक्रीज बाय, ठीक है, इंक्रीज बाय में तो फिर आपको 240 से फिर रेज, फिर इसका क्या मतलब है, फिर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज हाउ मच, 240 से इंक्रीज किया, 144 पहले से था, यानी कि 3,84,000, इसका मतलब है कि फिर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। फिर क्वेश्चन में आपको नॉर्मली टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ही गिवन होती है, ठीक है। चले चाहिए फिर, कोई और सवाल नहीं है तो इजाजत। 385375 ये क्या है, 385375 ये वाली हमीदुल्ला, ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चे, नवाज की ये बैलेंसिंग फिगर है, नवाज का है ना, नवाज रिटायर कर रहा था 1 जनवरी 2012 को, तो नवाज का कितना हिसाब था बिजनेस के साथ, 3,40,000 ब्रॉट डाउन था, गुडविल रेज हुई थी उसका बेनिफिट उसको मिला, रिवैल्यूएशन गेन को रेज किया उसका बेनिफिट मिला, फिर पिछले सालों का प्रॉफिट जो है वो कम उसको मिला था, 30,000 वाली बात जो थी, 30,000 में इसका शेयर था 7,500, हमने वो ऐड किया, तो हमें ये पता लगता है कि नवाज का कितना पैसा इन्वेस्टेड है इस बिजनेस में, वो है 385375। बिल्कुल डबल एंट्री हो जाएगी इसकी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फर्म क्या कर रही है, फर्म अब उसको पे ऑफ कर रही है, नवाज को कह रही है ये ले आप अपना हिस्सा और बस। रिपीट करूं, क्या रिपीट करूं बच्चे, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, बिल्कुल, जब आप किसी रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ कर रहे होते हो तो कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, यानी कि डेबिट होने का क्या मतलब है, उसका कैपिटल हमने खत्म कर दिया अपनी बुक्स में से और हमने उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी, बिजनेस के बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने किया। अगर नवाज कंटिन्यू करता फर्म में तो वो उसका बैलेंस कैरी डाउन बन जाता, लेकिन वो फर्म में कंटिन्यू ही नहीं कर रहा, 1 जनवरी को हमने उसका सारा हिसाब किताब खत्म करके पैसे उसके हाथ में पकड़ा दिए, कितने 385375। बैलेंसिंग फिगर है ये, डब्बों में जो चीज बनाती हूँ वो बैलेंसिंग फिगर हो गई ना, ठीक है। हमीदुल्ला क्लियर है, चलें जी, इजाजत है फिर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।